हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैंने 31st के लिए लीव के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि मुझे न्यू ईयर्स ईव मेरी बहन के साथ मनाना था। वो इस साल 2 साल के बाद सिंगापुर से आई हुई है, वो और मेरे जीजू वैलरॉय। एंड हम हमेशा न्यू ईयर साथ में मनाते हैं, लेकिन कोविड के रहते जिनके भी रिश्तेदार दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, वो नहीं मिल पाए हैं। एंड अब जाके उनके वहाँ से फ्लाइट्स इंडिया के लिए शुरू हुई थी, तो इस साल वो लोग इंडिया आए हैं। मैं इतनी खुश हूँ। एंड मैंने 2 दिन के लिए लीव की अप्लाई की थी, लेकिन तो आज 29 है, आज मैं शूट कर रही थी और 31st की मुझे छुट्टी मिली थी, और सडनली मुझे रात को 9 बजे पता चला कि 30 तारीख को मेरी छुट्टी है। कल वो मुझे शूट पे नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने फटाफट से अपनी 31st की टिकट कैंसिल की, फटाफट से मैंने 30th की मॉर्निंग की टिकट बुक की, और मैं जा रही हूँ एक दिन पहले। मेरी सुबह सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, मुझे 3:30 बजे घर से निकलना होगा। मुझे पता भी नहीं मैं रात को सो पाऊंगी नहीं सो पाऊंगी। अभी ऑलरेडी 12:30 बजे हुए हैं और मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, और बस ऑलमोस्ट पैक हो ही चुका है। तो मैंने 2-2.5 घंटों में अपनी टिकट्स चेंज की, अपना सामान पैक किया, और मैं रेडी हूँ गोवा के लिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी सुबह जब हम एयरपोर्ट जाएंगे, तब। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। मैंने अपनी पैकिंग कर ली है, लास्ट में टूथब्रश वगैरह भी याद से रख दिया है। वैसे तो गोवा ही जा रहे हैं, जो भी नहीं होगा वो वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कैब भी बुक कर ली है। अभी 3:15 बज रहे हैं और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। लकीली मैंने चेक किया कि मेरी फ़्लाइट जो है वो टर्मिनल 1 से है, क्योंकि मुझे टर्मिनल 2 पे जाने की आदत पड़ी हुई है, तो सेव्ड लास्ट मिनट। मेरी कैब आ चुकी है और अब मैं सोसाइटी के गेट तक जा रही हूँ अपना बैग पुल करते करते। बैग की इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है क्योंकि पूरी सोसाइटी में अभी इतनी शांति है, सब सो रहे हैं। अभी 3:30 बजे हैं। आप सो रहे थे? फोन नहीं उठा रहे थे आप? मैं फोन ट्राई कर रही थी। अच्छा, ओके। तो ये निकल पड़ी हमारी सवारी एयरपोर्ट के लिए। मौसम बहुत अच्छा है, 20-21 डिग्रीज हो जाते हैं अभी, एंड आगे जाके टेम्परेचर और भी गिरने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी सुबह बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, तो एयरपोर्ट पहुंचने में कोई टेंशन नहीं है। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी एयरपोर्ट 1.25 घंटा पहले, और मैं ध्यान रख रही हूं कि ड्राइवर भाई साहब सो तो नहीं रहे। ये पहुंच गए हम एयरपोर्ट और मैं चली अपना चेक इन करने, और ये हो गया बोर्डिंग कंप्लीट। अब हम सीधा मिलेंगे गोवा में। पायलट भाई साहब, ज़रा अपना प्लेन गोवा की तरफ मोड़ना। हम पहुंच चुके हैं गोवा। गोवा एयरपोर्ट पे मैंने कोई वीडियो नहीं निकाला क्योंकि वो डिफेंस एयरपोर्ट है और वहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो लेना। गोवा के रास्ते जो है वो अब इतने अच्छे बनने लगे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, एंड इतना अच्छा डेवलप हो रहा है गोवा फॉर टूरिस्ट्स। इट्स ब्यूटिफुल एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड। लेकिन मास्क में मेरी एक्साइटमेंट सारी छुप रही है, मेरी बड़ी सी स्माइल नहीं दिख रही है मास्क में, लेकिन मैं बहुत खुश और एक्साइटेड हूँ आगे के 4 दिनों के लिए।
तो मैं बस अभी पहुँची हूँ इस जगह पे, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे भूख लग रही है और मैं अभी ब्रेकफास्ट करूँगी और मुझे लगता है 2-3 घंटे, शायद 2 घंटे सो जाऊँगी। मेरी बहन सो रही है, मैंने अभी उसको जगाया है, वो नीचे आ रही है मुझे लेने के लिए। इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल प्लेस, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अब मैं आपको ये जगह दिखाती हूँ, ये है मेरा कमरा, यहाँ सामने ये लेफ्ट का जो दरवाज़ा है वो एक और कमरा है, ये जो है वो पूरा रिसेप्शन एरिया है और ये किचन है, बहुत ही साफ़ सुथरा, हम जो बोलते हैं हमें यहाँ पे बना के हमारे शेफ़ खिलाते हैं। ये जो ओपन स्पेस है बीच में वरांडा, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, ये एक कमरा, उस तरफ एक और कमरा है, यहाँ पे सुबह नाश्ता करने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ ऊपर 2 कमरे हैं, एक पेंट हाउस है। यहाँ से अब हम देखेंगे आगे, ये एक दरवाज़ा है जो प्रॉपर्टी के पीछे की तरफ जाता है और इतनी ग्रीनरी है और फिर भी इतना साफ सुथरा है, इट्स पीसफुल ब्यूटिफुल, इतनी शांति है। ये स्टेयरकेस जाते हैं ऊपर पेंट हाउस की तरफ और यहाँ पे एक ये छोटा सा कुआं है। ये इतनी शांत प्रॉपर्टी है, स्टाफ इतना अच्छा है, इतना फ्रेंडली है, हम जब भी जो भी खाने के लिए मांगे, चाय, नाश्ता, लंच हम कहते हैं, वो हमको बना के देते हैं। यहाँ पे बहुत लिमिटेड रूम्स हैं, 6-7 रूम्स ही हैं एंड इट्स कॉल्ड द माबिला गेस्ट हाउस बेड एंड ब्रेकफास्ट। एंड बिकॉज इतने ज़्यादा कमरे नहीं हैं और बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, कमर्शलाइज्ड नहीं है, इसलिए आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस मिलता है इनके स्टाफ के साथ। द स्टाफ इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी फ्रेंडली, हमेशा हंस के बात करते हैं, मुस्कुरा के ग्रीट करते हैं सुबह शाम। एंड इन्होंने, स्टाफ ने हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पर कि हमको घर जाने का मन ही नहीं हो रहा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है मेरा कमरा, दिस इज़ कॉल्ड द राजस्थानी स्वीट। तो यहाँ पे वो थोड़े थोड़े वैसे टच दिए हुए हैं कमरे में, ये जो लैम्प है वो थोड़ा राजस्थानी, थोड़ा इंडियन लगता है, विंडोज़ में इतनी अच्छी कार्विंग की हुई है, ये कबर्ड है, ये रूम डिवाइडर, पूरा वुडन कार्व्ड रूम डिवाइडर है, ब्यूटिफुल टाइल्स, बेड पे भी जो ये पीस है पूरा कार्व्ड, ये बाथरूम के ऊपर भी कारीगरी की हुई है, क्योंकि ये स्वीट है, यहाँ पे ये 2 वॉश बेसिन्स हैं एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बाथटब, इतना ह्यूज है मैं तो डूब ही जाऊँ इसमें। ये कलर कॉम्बिनेशन, अच्छे बेज कलर के पर्दे एंड इतना अच्छा लुक है, ये रूम इतना कूल है। और यहाँ से जैसे ही हम ये लेफ्ट में बाहर जाएंगे, यहाँ पे एक बालकनी है और बालकनी जो है ये पूरी ऐसे ये ग्रीनरी से उन्होंने ढकी हुई है ताकि आपको अपनी प्रिवेसी मिली रहे, एट द सेम टाइम आप ग्रीनरी एंजॉय करो। यहाँ पे आप शाम की चाय पी सकते हो, सुबह की चाय पी सकते हो। मैंने यहाँ पे अपना स्टे बहुत एंजॉय किया, ये रूम बहुत ही शांत है, काम है, पर्दे खोल दो तो वेल लिट है, पर्दे बंद कर दो तो अंधेरा हो जाता है पूरा, आपको देर तक सोना है, आपको जल्दी उठना है, हर चीज़ के लिए ये कंफर्टेबल है। अब पहले दिन पे हम यहाँ पे आए हैं लंच के लिए, दिस प्लेस इज़ कॉल्ड पुसाडा बाय द बीच, ये एक फैमिली रन करता है ये शैक, बाप हैं, 2 बेटे हैं और ये लोग इतना स्ट्रिक्टली अपने ही रूल्स पे ये जगह चलाते हैं, इसलिए इसकी ब्यूटी जो है वो बनी रही है।
रात को 8:30 तक उनका लास्ट ऑर्डर ख़त्म हो जाता है। बहुत देर तक ये शैक ओपन नहीं रखते हैं, ये एक फैमिली रन एस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे इतना अच्छा एम्बियंस उन्होंने दिया हुआ है, ये पूरा जो डेकोरेशन है उन्होंने किया हुआ है। ये है डाइनिंग की जगह, यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, कपल्स आते हैं। इस जगह का सिर्फ व्यू या फिर सिर्फ एम्बियंस है वही अच्छा नहीं है, यहाँ का खाना भी उतना ही टेस्टी है। और यहाँ से पीछे से आप चल के बीच तक जा सकते हो, ये आपका व्यू है। शांति से बैठो, खाना खाओ। जो ओनर्स हैं वो आपका ऑर्डर भी लेंगे, आपको खाना भी सर्व करेंगे। और वेटर्स भी हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये वेटर का काम है, मैं ओनर हूँ वगैरह। अगर आप गोवा जाओ तो नॉर्थ गोवा में ये आपको ज़रूर ट्राई करना है। 30th को तो हम थक गए थे, तो हमने फिर डिनर रूम में ही किया। और अब आज है 31st और हम जो हैं रेडी हो रहे हैं हमारी 31st पार्टी के लिए। हेलो गाइस, हम अपनी 31st पार्टी के लिए रेडी हो रहे हैं। आर यू रेडी फॉर द पार्टी? यस आई एम रेडी। तो 31st की पार्टी और गोवा में हमने क्या मस्ती की वो सब दिखाऊंगी नेक्स्ट एपिसोड में।